गाजियाबाद पुलिस ने सबसे पॉश इलाके में स्थित आरडीसी बैंक के बाहर हुई लूट का खुलासा कर दिया है। बता दें कि फैक्ट्री मालिक के अनपढ़ ड्राइवर ने ऐसी साजिश रची थी जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों की पहचान नफीस, बॉबी कुशवाहा और मोहित रावत के नाम से हुई है। 1 मार्च को गाजियाबाद के आरडीसी बैंक के बाहर 10 लाख की लूट को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। ये लूट एक एग्रो कंपनी के मुनीम से की गई थी। वहीं पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी नफीस उस एग्रो कंपनी के मालिक का ड्राइवर है और वो अनपढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बड़ी ही प्लानिंग के साथ इस सारी साजिश को रचा था। बताते चले कि पकड़े गए आरोपियों से करीब 6 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, दिनांक 1 मार्च को कविनगर थाना क्षेत्र में HDFC बैंक के सामने एक घटना की सूचना मिली थी, जिसके सफल अनावरण के लिए कप्तान साहब ने 5 टीमें बनाई थी। साथ ही साथ हम लोग के बीट कांस्टेबल की जो प्रणाली चलती है उसको एक्शन में लाया गया था। इसके सफल अनावरण के लिए हम लोगों ने मैनुअल इंटेलिजेंस पर काफ़ी फोकस करा और जो इस घटना में जो व्यापारी इन्वॉल्व थे उनके यहाँ जितने भी भूतपूर्व में और वर्तमान में जो तैनात एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पूछताछ करी। लगभग 30 लोग की पूछताछ करने के बाद हम लोग को इसमें नफीस नाम का जो इनका ड्राइवर था वो संदिग्ध मालूम हुआ। जब हम लोगों ने नफीस पे अपनी इंटेलिजेंस लगाई तब हमको पता लगा कि ये इस घटना में इन्वॉल्व है और इसमें बॉबी नाम का एक व्यक्ति है जिसके साथ मिलके ये घटना प्लान करी थी और इसने इसको कारित कराने के लिए मोहित रावत और सूरज नाम के व्यक्ति के साथ इसने टाइप करा था। साथ ही साथ इस घटना में बॉबी के साथ उनका परिचित सनी भी इन्वॉल्व है। वर्तमान में सनी और सूरज इस समय वांछित हैं। जब हम लोग की मुखबिर की सूचना के बाद जब हम लोगों ने इनको पकड़ा तब इनके पास से 6 लाख रुपए नगद बरामद हुआ। इसके साथ एक कंट्री मेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक तमंचा भी बरामद हुआ। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त एक पल्सर बाइक भी बरामद हुई जिसपे बॉबी और सनी सवार थे। ये लोग वहीं पर घटनास्थल से थोड़ी पास में बैकअप के रूप में वहाँ पर खड़े हुए थे। इस तरीके से हम लोगों ने मैनुअल इंटेलिजेंस और बीट प्रणाली को यूज़ करते हुए घटना का वर्कआउट करा।